झारखंड में राज्यसभा सदस्य धीरज साव के घर से छापेमारी में लगभग 300 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा नेता खूबचंद पारख ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा राज्यसभा सदस्य धीरज साव को कांग्रेस का नया ATM बताया। उन्होंने कहा ईडी के छापों में भाजपा का कोई भी हाथ नहीं है। ईडी ने पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में ATM खोजा था, अब नया कांग्रेस का ATM झारखंड में खोजा है। झारखंड के सांसद राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जो शराब के कारोबार में लिप्त है, बड़ा शराब का कारोबारी है, उसके संस्थान से आयकर विभाग ने छापे में अभी तक लगभग 300 करोड़ रुपया नगद बरामद किए हैं और जांच जारी है। आगे ये बहुत बड़ी राशि हो सकती है। तो मोदी जी ने पहले भी कहा है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या जमाखोरी या पैसे की हेरा फेरी का कोई मामला सामने आएगा उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसका पाई पाई उससे वसूल किया जाएगा और उसके अपराध के लिए उसको सजा दी जाएगी। तो ये जांच तो चली रही है, प्रक्रिया में 300 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। आजकल बैंक से पैसा निकालने की भी लिमिट है।